top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. स्वराज अभियान की तरफ से आज हमने दिल्ली में अभियान शुरू किया है पेट्रोल की कीमतों के ऊपर देश के सामान्य नागरिक को जिस तरह से ठगा जा रहा है इसके खिलाफ हमने जन जागरण अभियान शुरू किया है दिल्ली के कोई 100 पेट्रोल पंपों पे हमारे साथी जा जा के ये पर्चे बांट रहे हैं इन पर्चों के जरिए हम जनता को जागृत कर रहे हैं बता रहे हैं कि पेट्रोल के दामों में किस तरह से जनता को ठगा जा रहा है जब इस देश की जनता ने सुना कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार तो लोगों ने कांग्रेस के शासन से तंग आके कांग्रेस की महंगाई और भ्रष्टाचार से तंग आके इस देश की जनता ने मोदी सरकार को वोट दिया जब ये सरकार आई उस वक्त उनको मिल रहा था पेट्रोल 6,353 रुपए में आज वो पेट्रोल मिल रहा है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से वो मिल रहा है 3,024 रुपए में यानी कि जब से मोदी जी की सरकार आई है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तेल खरीदने के दाम आधे से भी कम हो गए लेकिन उस वक्त पेट्रोल दिल्ली में बिक रहा था 71 रुपए में आज बिक रहा है 61 रुपए में सिर्फ 10 रुपए कम हुआ जबकि होना चाहिए था 34 रुपए का तो जो पेट्रोल 34 रुपए में बिकना चाहिए था वो आज 61 रुपए में बिक रहा है और बीच बीच में एक एक दो दो रुपए कम करके जनता को धोखा दिया जाता है इसके बारे में हम जन जागरण करने के लिए यहाँ आए हैं कोई रैली धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आम जनता को इसके बारे में सूचित करें बताएं कि उनके साथ क्या हो रहा है और मांग करें कि सरकार जब पेट्रोल का दाम बढ़ता है तब तो जनता से ज़्यादा पैसे लेती है जब घटता है तो जनता को फायदा क्यों नहीं पहुंचाया जाता